पेरेंट्स, दोस्तों पेरेंट्स का और स्पेशली मदर्स का एक बहुत बड़ा सवाल जो हर समय हम उनके तरफ से पूछा जाता है कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, क्या करें। तो देखिए, इसके पीछे जो मुझे एक बहुत बड़ा कारण लगा वो ये लगा कि जब एक प्रॉपर टाइम था तब बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। जब हम बच्चे को ऊपर का खाना चालू करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, वो एक बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। उस समय हमें उसे कैसे खिलाना है और किस तरह से खिलाना है, क्या खिलाना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर उस समय बच्चे को सही ट्रेनिंग मिले तो शायद बाद में ये प्रॉब्लम आए नहीं। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे को, कैसे करनी चाहिए, आइडियल वे क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्रॉपर वे क्या है, अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पर ही चिपके हुए हैं, वहीं पर स्टिक हैं, हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा मैसेज इससे रिलेटेड आया हुआ है, वो मैसेज मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो पे बने रहना, बहुत बढ़िया वीडियो बनने वाला है। ये मैसेज मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों। ये मैसेज आया है मिसेज ईशा जैन का, और इन्होंने लिखा है, हेलो डॉक्टर, आई रियली लाइक योर वीडियोज एंड सजेशंस यू गिव। आई एम ऑल्सो ए डॉक्टर फ्रॉम जयपुर, मेरे सिटी के हैं, एंड मदर ऑफ 14 मंथ्स ओल्ड बेबी। इनके 14 महीने का बेबी है। आई वुड लाइक टू से दैट एवरी मॉम शुड इनकरेज बेबी लेड वीनिंग। ट्रस्ट मी, नो मॉम विल एवर से अगेन कि मेरा बेबी कुछ नहीं खाता है। इन्होंने कहा है कि हर मदर को बेबी लेड वीनिंग कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, और इनका ये मानना है कि ऐसा करने से किसी भी मदर की ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। बेबी लेड वीनिंग हेल्प्स इन सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ बेबी, एंड ऑल्सो दे लर्न डिफरेंट टेक्सचर ऑफ फूड। इन्होंने बेबी लेड वीनिंग के कुछ फ़ायदे बताए हैं, बच्चे का सेंसरी डेवलपमेंट हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। बेबी लेड वीनिंग माइट बी लिटल मैसी एंड वेस्टेज ऑफ फूड हैपन्स, बट इन लॉन्ग टर्म इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। इसके अपने थोड़े नुकसान भी हैं, थोड़ा खाना ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा मैसी भी है, बट लंबे समय में इसके फ़ायदे ही फायदे हैं। ऑलवेज सर्व फूड टू दैम फ्रॉम फैमिली पॉट, डू नॉट स्विच ऑन टीवी टू फीड दैम। बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने एक लिखी है कि प्लीज़ टीवी को खाना खिलाते समय ऑन नहीं रखें, बच्चे को जब आप खाना खिला रहे हैं। इफ़ मदर्स आर फीडिंग दैम, ईदर डू बेबी लेड वीनिंग साइमल्टेनियसली और गिव दैम देयर फेवरेट टॉयज़। यदि आप खाना खिला रहे हैं तो बच्चे को उसके फेवरेट टॉयज आप उस समय ऑफर कर सकते हैं, एंड ऑफर देम फूड वाइल सिटिंग एट वन प्लेस। बहुत बढ़िया बात कही है कि बच्चे को आप पर्टिकुलर एक जगह पर बैठा करके, कोई एक पर्टिकुलर उसकी प्लेस रखनी है और वहाँ पर बैठा करके आप उसे खाना खिलाइए। आई यूज़ बेबी फीड चेयर, इनका ये अपने बच्चे के लिए हाई चेयर जो रहती है उसका यूज करते हैं। दीज ऑल थिंग्स वर्क फॉर मी वंडरफुली, माई बेबी इज़ ईटिंग फूड ऑन हिज ऑन सिंस 7 मंथ ऑफ एज। अभी 14 मंथ का बेबी है, स्टिल ये बहुत खुश हैं। 7 मंथ पर इन्होंने ये सब स्टार्ट किया था बेबी लेड विनिंग कंसेप्ट, और इनका ये मैसेज जब आया इट वॉज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे इसको पढ़ करके। इनको निहारिका जी ने रिप्लाई किया है, अगर ईशा जी आप मुझे सुन रही हैं तो, आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 10 मंथ ओल्ड बेबी, टिल नाउ आई एम फीडिंग हिम, नाउ आई जस्ट नो अबाउट बेबी लेड विनिंग एंड आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हिम। वॉट डू यू मीन एंड प्लीज सजेस्ट फॉर बेबी लेड विनिंग। हाई चेयर इज़ वेरी नेसेसरी और विदाउट दिस वी कैन इनकरेज बेबी लेड विनिंग। बाइंग ए हाई चेयर सीम्स डिफिकल्ट फॉर मी। तो दोस्तों, जहाँ इसका जो सार निकल के आ रहा है वो ये है कि बेबी लेड विनिंग जो कंसेप्ट है, जो पिछले कुछ सालों में निकल के आया है, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। देखिए, इसमें होता क्या है कि बच्चे के जो हम शुरुआत से खाने का इंट्रोड्यूस करते हैं सॉलिड डाइट 6 महीने पर, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कह रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आपको उसे स्पून फीडिंग नहीं करानी है। यानी जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि जो हम बच्चे को हम खिला रहे होते हैं, तो ना ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं चल के इसमें बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, उसे एक हाई चेयर पे बैठाया जाता है। हाई चेयर पे बैठाने के बाद में उसके सामने फिंगर फूड्स रख दिए जाते हैं, कुछ अलग अलग तरह के, डिफरेंट टाइप्स के। बच्चा खुद डिसाइड करता है, खुद उसे लेता है और खाता है। और यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चा कितना इंडिपेंडेंट फील कर रहा होगा।
उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आप तो चम्मच लेकर के अपनी पसंद का कुछ लेकर के आ रहे हैं, आप प्यूरीज बना करके ला रहे हैं, हो सकता है बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो और आप ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, हो सकता है बच्चे का खाने का मन नहीं हो, लेकिन बेबी लेड वीनिंग के अंदर वो इंडिपेंडेंट है, उसके सामने उस फ्रूट्स या जो भी फूड रखा हुआ है, जो आइटम है, उसे जो पसंद आ रहा है वो खुद उठा रहा है, खुद उसे मुंह में ले रहा है। और यहाँ पर 6 महीने बाद से इसे स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। उस समय बच्चा जब उसे ले रहा है, खा रहा है, तो उसका मोटर पार्ट कितना अच्छा डेवलप हो रहा है, उसका अंगुलियों का मूवमेंट, उसका वहाँ तक पहुँचना कितनी दूरी है, उसको जज करना, उसके बाद उसे उठाकर अपने मुंह में लेना, मतलब ब्रेन का एक्टिवेशन, ब्रेन की सिग्नलिंग शानदार तरीके से चल रही है, मोटर पार्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ना मोबाइल की ज़रूरत है, ना टीवी की ज़रूरत है। हाँ, आप इस समय उसे कोई गाना सुना सकते हैं साथ में। ये बेबी लेड वीनिंग के कुछ क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ ब्रीफ करता हूँ कि ये कैसे है। सबसे पहले, व्हाट इज़ बेबी लेड वीनिंग, है क्या ये? देखिए, ये एक सेल्फ फीड कंसेप्ट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इंडिपेंडेंट वे है, बच्चे के ऊपर छोड़ दिया गया है, आपके सामने फूड रख दिया गया है, अब आपको खाना है तो खा लीजिए और नहीं खाना है तो रहने दीजिए। बच्चा उसमें उठाता है, कुछ गिरता है, कुछ मतलब बिखरता है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा मैसी है जैसा कि मैडम ने लिखा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रियली इट इज़ अमेजिंग। यहाँ पर आप ट्रेडिशनल फूड को स्किप कर रहे हैं, आप पॉसिबली वो ही फूड बच्चे को सर्व कर रहे हैं जो घर में बन रहा है। और ट्रेडिशनल, जैसे आपको अलग से कुछ बनाना था, आप बेबी फूड खरीद के ला रहे थे, महंगे पड़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, आप वो ही फूड दे रहे हैं जो बच्चे को, आप जो घर में खा रहे हैं उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है और वही फूड बच्चे को दे रहे हैं, तो ईजी हो गया, मनी सेविंग भी है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ नो मोबाइल नो टीवी। इस समय आपको मोबाइल या टीवी नहीं दिखाना है, क्योंकि मोबाइल एक पैसिव मेथड हो गया खिलाने का। बच्चे का ब्रेन जो है वो उस समय, उसका मोटर पार्ट जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस किया, वो नहीं चलेगा उस समय। तो मोबाइल और टीवी स्क्रीन का यूज मत कीजिएगा। कि बेबी लेड वीनिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं? आपका बच्चा स्ट्रेट बैठ सक रहा है विद मिनिमम सपोर्ट, अगर नहीं भी होता तो कई बार मदर अपनी गोदी में लेकर भी बैठा बैठा सकती हैं, बट मिनिमम सपोर्ट के साथ वो स्ट्रेट है, अपने हाथ को खाने तक ले जा रहा है और वहाँ से अपने मुंह तक लेकर के आ रहा है, नेक कंट्रोल उसके पास में अच्छा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप बेबी लेड वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं? पहला फायदा मैंने आपके साथ बताया कि मनी सेविंग हो रही है, टाइम बच रहा है, फैमिली फूड एक साथ सर्व किया जा रहा है, सब लोग साथ खाएंगे। मेरा यकीन मानिएगा, बच्चे के साथ जब भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये 6 महीने के टाइम पीरियड पर, तो आप सब लोग साथ खाइए, क्योंकि यदि बच्चा उस समय सबको देख रहा है, मदर को देख रहा है, फादर को देख रहा है, उनका च्यूइंग मूवमेंट देख रहा है, वो वी आर विजुअल लर्नर्स, हम लोग देखते हैं और सीखते हैं, और इस एज के अंदर विजुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब साथ में रहेंगे, आप खुद अपने च्यूइंग मूवमेंट चल रहे हैं, तो उस समय बहुत अच्छा रहेगा। तो सेव्स टाइम्स एंड मनी, आपके बच्चे का सोशल इंटरेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग साथ में हैं, गाना कि उसके साथ में गा सकते हैं, मतलब कोई लोरी वोरी के रूप में आप कर सकते हैं, एंड बच्चे को अलग अलग तरह के फूड के लिए वो एक्सपोज हो रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ फूड्स। आपको फूड जो हैं वो कौन से वाले रखने हैं, उसके अंदर फिंगर फूड्स की मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह के फूड जिनको कि फिंगर के साइज़ में आप कट कर दें, लेकिन उसके अंदर वो ऐसे हों कि जब वो मुँह में जाएँ तो वो मेल्ट जल्दी से हो जाएँ। आपने बनाना की स्लाइसेज रख रखी हैं, आपने स्टीम करके वेजिटेबल्स की, कैरेट ले लिया, स्टीम कर लिया उसको अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया, और उसकी कोई स्लाइसेस रखी हुई हैं, पियर, कीवी, मैंगो, मतलब इस तरह के फूड हैं कि वो जैसे बच्चा ले, मुंह में ले तो वो मेल्ट हो जाए। तो इस तरह के आप इनको रख सकते हैं चीज़ों को। स्टीम्ड स्वीट पोटैटोज हैं, कैरेट्स मैं बता चुका हूँ, स्क्वैश है, तो ये फिंगर फूड है, इससे बच्चे का च्यूइंग मूवमेंट जो है वो डेवलप होगा। हाँ, लेकिन ऐसे फूड जो चॉकिंग कर सके, चॉकिंग का जिनसे खतरा है, दानेदार कोई चीज़ें हैं, प्लीज़ ऐसे फूड मत रखना, क्योंकि बेबी लेड वीनिंग के अंदर जो सबसे एक कंसेप्ट, जो एक प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, थोड़ी हो सकती है, वो है चॉकिंग का। तो आप ऐसे फूड नहीं रखें, और एक मदर या कोई भी केयर टेकर वहाँ पर प्रेजेंट जरूर रहे जब आप बेबी लेड वीनिंग करा रहे हो,
और चोकिंग को कैसे मैनेज करना है, यदि चोकिंग हो गई है तो ये आपको आना चाहिए यदि आप बेबी लेड विनिंग करने जा रहे हैं। चॉकिंग और गैगिंग दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। यूजुअली बच्चे जब लेते हैं कुछ खाना स्टार्ट करते हैं तो गैग होता है उनके अंदर। गैगिंग के अंदर होता क्या है कि थोड़ा बच्चा अपने एयरवेज को प्रोटेक्ट करता है, मसल्स को मजबूत करता है, खाने को बाहर निकाल देता है। थोड़ा सा वो डरावना उस समय हो सकता है, लेकिन जो भी मदर या जो भी वहाँ पर पेरेंट्स खड़े हैं उन्हें अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कभी ये शो नहीं करना है कि वो डर गए हैं। एकदम से घबराना दिखाना नहीं तो बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाएगा। तो गैगिंग आपको पता होनी चाहिए, जबकि चोकिंग में खाना जो है वो गले में या नीचे जो आपके पास में रेस्पिरेटरी पैसेज है वहाँ जाके स्टक हो जाता है, वो एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है। वहाँ कैसे डील करना है उसके बारे में आपको ज़रूर नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा पढ़ करके फिर ये स्टार्ट करें। तो इस तरह के फूड जो हैं वो आपको नहीं देने जो हार्ड हैं, क्रंची हैं, चिप्स हैं, पॉपकॉर्नस हैं, नट्स हैं, इस तरह के फूड जो हैं आइटम्स जो हैं वो प्लीज़ आप बच्चे को नहीं दें। तो बेबी लेड विनिंग का जो सबसे बड़ी चीज़ निकल करके आती है उसमें बच्चा इंडिपेंडेंट है, बच्चा खुद कर रहा है, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही, कोई फोर्सफुल फीडिंग नहीं की जा रही है। ये मैसेज बच्चे के ब्रेन पर जा रहा है, सोशली वो इंटरेक्ट हो रहा है, उसे जो पसंद आ रहा है वो चीज़ वो खा रहा है। बस हमें उसके लिए न्यूट्रिशियस फूड हमें पता है कि रखना क्या है, और बच्चा खुद एक्टिव उसके अंदर रोल है। वो एक तरह से इसके नाम भी इसलिए दिया गया है बेबी लेड विनिंग, मतलब वो लीड कर रहा है, वी आर द फॉलोअर्स, वो उसे लीड कर रहा है। तो मेरे विचार से, मेरी ओपिनियन में तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड रियली जैसा ईशा जी ने बताया है कि बाद में किसी भी मॉम को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। आप उसे इंडिपेंडेंट छोड़िए, उसकी जो एपेटाइट है उसका रेस्पेक्ट कीजिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यदि आप लोग कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये एक अलग थोड़ा सा मैंने आपके साथ में एक नॉलेज था जो शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और क्या आप अपने बच्चे के साथ बेबी लेड विनिंग करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है, आपको इससे नुकसान क्या मिल रहा है, आपके जो भी एक्सपीरियंसेज है, जो अनुभव है, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और मदर्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।